बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि भोपाल से आ रही है, जहां कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक है आज। आपको बता दें, चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बैठक लेंगे, पिछली बैठक में दिए गए टारगेट की समीक्षा करेंगे। तो बड़ी खबर भोपाल से आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी वैभव गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी वैभव, कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक है, क्या रणनीति बनाई जाएगी और क्या कुछ अहम मुद्दे हो सकते हैं? हाँ कमलनाथ, पीसीसी कार्यालय पहुंच चुके, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंच चुके हैं। चुनाव अभियान समिति की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, इसमें यही कवायद की जा रही है कि किस तरह से, अब बहुत कम समय बचा है, तो किस तरह से जो मुद्दे हैं उनको घोषणा पत्र में स्थान देना है, साथ ही जनता से किस तरह से कार्यकर्ता कनेक्ट कर सकते हैं उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, और कार्यों का बंटवारा किया जा रहा है कि जिला स्तर पर किस तरह से काम किया जाएगा, तहसील स्तर पर किस तरह से काम किया जाएगा। जो अध्यक्ष हैं, जो अभियान समिति के सदस्य, सबको यहाँ पर बुलाया गया है और सबसे फीडबैक मांगा गया कि पिछली बैठक जो हुई थी 6 तारीख को, उसमें आप लोगों ने क्या किया, उसमें जो आपको टारगेट दिया था कि आपको इस तरह से रणनीति में काम करना है, तो जो पिछला टारगेट है उसकी समीक्षा भी की जाएगी और साथ ही नया टारगेट सदस्यों को दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया वैभव हमसे जुड़ने के लिए।